अस्सलाम वालेकुम। मैं आज बताने लगी हूँ चिकन कॉर्न सूप। मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या शामिल करने वाली हूँ। मैंने जो है ना बोन वाला चिकन लिया है विद बोन, इसका अच्छा टेस्ट बनता है। ये मैंने चिकन शामिल कर दिया और मैंने दो प्याली सिर्फ बनाना है, और ये मैं बीच में शामिल करूँगी एक अदद प्याज। पहले इसका स्टॉक बना लूँगी, चिकन स्टॉक। ये रहा नमक और ये रहा लहसुन। लहसुन बेशक आप साबुत भी डाल दें, ये बड़ी जल्दी गल जाता है। जब तक प्याज गलेगा, चिकन गलेगा, तो ये भी अच्छे तरीके से। और ये जो मेरे हाथ में है, ये है अदरक। लहसुन की कलियां जो है ना, वो मैंने वो उसी तरह बीच में से सिर्फ कट ही लगा है, बड़े बड़े साइज की डाल दी हैं मैंने, जैसे कि बताया है कि ये ना गल जाती हैं। और इसको अगर मैश करें तो बड़े अच्छे तरीके से बीच में पेस्ट सी बन जाती है और प्याज भी गल जाता है। और जो अदरक होती है ना, ये जायका तो इसका आ जाता है, अगर आप इसके टुकड़े करके डालें ना तो ये बीच में गलती नहीं है। और ये मैंने इतना टुकड़ा जो है ना, उसको मैंने अच्छे तरीके से पीस के डाला है। और अब जो है ना, मैं इसके अंदर टमाटर की पेस्ट शामिल कर रही हूँ। ये अच्छे तरीके से टमाटर जो है ना, इसका कच्चापन भी ख़त्म हो जाएगा, पक भी जाएगा। और जो है ना काली मिर्च, वो आप साबुत इस टाइम पे भी डाल सकते हो, लेकिन बाद में पीसी हुई भी डाल सकते हो। मैं अभी नहीं शामिल कर रही, मैं बाद में डालूँगी। अब मैं इसको पकने दूँगी जी। तो ये जो है ना, मैंने इसको छान लिया है, चिकन मैंने अलहदा कर लिया और इसको मैंने छान लिया है। और ये मैं अब शामिल कर रही हूँ इसके अंदर काली मिर्च, हाफ टी स्पून के हिसाब से जो है ना वो आप डाल लें। और ये मैंने दो सब्जियां ली हैं, ब्रोकली और कैरेट। आप जितना सूप बना रहे हों, अगर इस तरह का बनाना चाहते हैं, तो आप जितना सूप बनाएं उसके हिसाब से। मैंने तो आपको बताया कि मैं कितना बना रही हूँ, एक बॉल बनेगा बस, यानी कि दो बड़ी कटोरियाँ जो है ना वो भर के बनेंगी। और नमक भी इसमें अभी जाएगा। नमक मैंने चेक किया, थोड़ा कम था। और जो मैंने इसके अंदर डाला था प्याज और लहसुन, मैंने उसकी पेस्ट बना ली है इस तरह से। ये देखें, पेस्ट बना के वो भी शामिल कर रही हूँ। प्याज और लहसुन हमें ज़रूर डालना चाहिए, ये अच्छा होता है, बादी को ख़त्म करता है। और एक और चीज़ बताऊँ कि मैंने इसके अंदर बिल्कुल कोई ऑयल जो है ना वो शामिल नहीं किया है। जैसे कि मैंने अब स्टार्ट किया था ना इसको छान के सारा कुछ, तो कुछ लोग इस तरह से भी बनाते हैं कि ये जो मैंने सब्ज़ी ली है, कोई सी भी सब्ज़ी लें, मटर लें, कैरेट लें, मैंने ये जो दो ली हैं मैंने आपके साथ शेयर की हैं, कोई भी सब्ज़ी जब आप डालते हैं तो इसको लोग थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। लेकिन मेरा मकसद था फ्राई ना करना, ऑयल बिल्कुल जो है ना मैंने स्किप किया है। और ये उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद है जिनको ऑयल मना है या जो पसंद नहीं करते, बेहतरीन चीज़ है। और मैं इसको जो है ना अभी 5 मिनट पकाऊंगी, ये दो सब्जियों को। चिकन जो है मैं उसके रेशे रेशे कर लूँगी, लेकिन चिकन मैं बाद में डालूँगी क्योंकि वो फुल गला हुआ है। ये जो है ना, इसको 5 मिनट पकते हुए हो गए हैं। और ये मैं ना सोया सॉस शामिल कर रही हूँ, टीस्पून, और वाइट विनेगर, चिकन, और ये स्वीट कॉर्न। आपके पास जो सब्जियां हों, जो चीज़ें हों, जो मौजूद हों, आप उनके हिसाब से बना लें। मेरे पास जो था मैंने उसके हिसाब से। अब ये जो है ना, मैंने कॉर्नफ्लावर जो है ना वो लिया है, ये वाले टीस्पून दो, और थोड़ा थोड़ा करके डाल के चेक करना है। अगर आप ज़्यादा थिक पसंद करते हैं ठीक है, अगर आप नॉर्मल करना चाहते हैं तो थोड़ा थोड़ा डाल के देखते जाए, ये ना हो कि जितना थिक ना चाहिए हो उतना हो जाए, एकदम से ज़्यादा हो जाए। Thank you.
इसको बस 1 मिनट ही पकाना होता है। ये लें जी, मेरा कॉर्न सूप हो गया है तैयार, बहुत ही मज़े का। आप भी बनाएं, इंजॉय करें और खाएं। इसी के साथ मुझे इजाज़त। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।